This is Bivika TV. Watch deeply researched documental biography videos. Subscribe, like, hit the bell icon and share. नमस्कार दोस्तों, बीवी का टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बायोग्राफीज को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब का बटन भी दबाइए, लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है। आइए आज लेकर चलते हैं आपको उनकी बायोग्राफी दिखाने, जो कि बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रही, एक्शन गर्ल भी रही, और फिर उन्होंने जब राजेश खन्ना के साथ पहले पर्दे पर एंट्री मारी थी तो सारी की सारी फिल्में सुपरहिट थी। लेकिन शुरुआत कैसी रही? जैसी मीना कुमारी और मधुबाला की थी, बचपन से ही। कैसा परिवार का माहौल था, क्या दिक्कतें आई, समस्याएं, बहुत कुछ इस बायोग्राफी में आप जानेंगे। आइए देखते हैं मुमताज की बायोग्राफी। एक ऐसी कलाकार जिन्होंने शुरुआत की बी ग्रेड फिल्मों से, एक ऐसी अदाकारा जिन पर लगा एक्शन फिल्मों का ठप्पा। अपनी मेहनत और काबिलियत से बनी वो सुपरस्टार। हर अभिनेता की थी वो पहली पसंद, हर दर्शक के दिल पर किया उन्होंने राज। बताओगे आखिर है कौन? She is none other than दिलकश, मासूम, ऑरेंज गर्ल के नाम से मशहूर मुमताज। क्यों भाई, तू क्या लॉन्ड्री से धुल कर आया क्या? वो चुपचाप पैसे निकाल, वरना मैं तुझे अंदर बंद कर दूंगी। ये शर्बती आंखें चेहरे हमेशा धोखा देते हैं। कहो तो अंदर आ जाओ। तुम कौन होते हो हम मियां बीवी के झगड़े में बोलने वाले? देखते नहीं विजय बाबू कितने परेशान हैं, सारी रात सोए नहीं। क्यों जी, आप मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ यहां से। मुझे मेरे भगवान की सौगन, मेरी माँ की सौगन, मेरे सुहाग की सौगन, मैं निर्दोष हूँ, प्रशांत बाबू निर्दोष है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब ज्यादा खुशामद मत कीजिए, तारीफ मेरी नहीं, तारीफ उसकी जिसने जिसने आपको बनाया, यही ना। मुमताज का जन्म 31 जुलाई सन 1947 को हुआ। जगह थी मुंबई, महाराष्ट्र। इनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अस्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवे का कारोबार किया करते थे। माँ का नाम था शदी हबीब आगा। मुमताज की एक बहन भी हैं, जिनका नाम है मल्लिका। जब मुमताज की माँ महज 16 साल की थी, तब उस छोटी सी उम्र में ही उनका तलाक हो गया था। अब्दुल सलीम अस्करी ने अपनी पत्नी को कहा था, अगर तुम बच्चियों को चुनोगी तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तब मुमताज की माँ ने पैसों की बजाय चुना अपनी दोनों बच्चियों को, मल्लिका और मुमताज। इन दोनों बच्चियों को लेकर फिर वो पीहर आ गई। पीहर आने पर शदी हबीब आगा की दोबारा शादी भी हुई। मुमताज के दो सौतेले भाई भी हैं, जिनका नाम है शाहरुख अस्करी और शहजाद अस्करी। शाहरुख अस्करी अभी मुंबई में रहा करते हैं, वहीं शहजाद अस्करी अब इस दुनिया में नहीं है। उस दौर की बात करें तो मुमताज का बचपन बेहद गरीबी से गुजरा था। उनकी माँ फिल्मों में एक्स्ट्रास के रूप में काम करने लगी थीं, लेकिन जो भी कमाई हो रही थी उससे घर का खर्च आसानी से नहीं चल रहा था। और जब कुछ बच्चों को फिल्म में काम करता देखती थी तो शदी हबीब आगा भी सोचती थी, क्यों ना मेरी बेटियाँ फिल्म में काम करें। इसीलिए अपनी दोनों बेटियों मुमताज और मल्लिका को लेकर फिर वो फिल्म के सेट पर आने लगी, और फिर आगे चलकर उनका ये सपना साकार भी हुआ। बेहद खूबसूरत छोटी सी मुमताज को महज 11 साल की उम्र में एक फिल्म में काम मिला। फिल्म का नाम था सोने की चिड़िया। ये फिल्म सन 1958 में रिलीज हुई थी और पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर बाल कलाकार के रूप में नजर आई मुमताज। फिर ऐसे ही छोटे छोटे रोल उन्हें और फिल्मों में मिलते चले गए, और जब टीन एज में कदम रखा तो साल 1960 में दो फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म का नाम था स्त्री और वल्लाह क्या बात है। मैं गर्मी में तुम काय को अपने आप को तकलीफ देता है, अपने से देखा नहीं जाता। क्या देखा नहीं जाता बाबू? जी चाहता है बलाए ले लो। तो ले लो ना बाबू।
और फिर आया वो साल जब पहली बार ए ग्रेड की फिल्म में काम किया मुमताज ने। 14 साल की उम्र थी। फिल्म का नाम था गहरा दाग। इस फिल्म में हीरो की बहन का रोल किया था मुमताज ने। बाहर कोई आदमी मुझे इशारे से बुला रहा है, चल देखो। तो आयशा तुम इतनी बड़ी हो गई है। और ये फिल्म एक हिट फिल्म रही। और इसके बाद एक और हिट फिल्म आई, मुझे जीने दो। इसमें भी छोटी सी भूमिका थी। मुमताज को धीरे धीरे अब और काम मिलने लगा था, पर बड़े रोल की उनकी चाह थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। ये वो दौर था जब दारा सिंह की एक्शन स्टंट फिल्मों का दौर भी चल रहा था। उस वक्त कोई भी हीरोइन दारा सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती थी। उसके पीछे कारण था दारा सिंह की हाइट और पर्सनैलिटी, और दूसरा बी ग्रेड की फिल्में। तब उन फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नज़र पड़ी 5.5 फीट की खूबसूरत मुमताज पर, और उन्होंने दारा सिंह की हीरोइन बनाने के लिए सोच लिया। फिर मोहम्मद हुसैन ने दारा सिंह से भी बात की और कहा, एक लड़की है मुमताज, खूबसूरत भी है, क्या आपके अपोजिट उस नई लड़की को काम दे दिया जाए? तब दारा सिंह ने कहा था, मेरे साथ कोई भी हो, कैसी भी हीरोइन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त मुमताज 14 साल की थी और काम करने की ललक उनमें कूट कूट कर भरी थी। काम की ज़रूरत भी थी, इसीलिए फिर दारा सिंह के साथ राजकुमारी पद्मा बनी नजर आई मुमताज। फिल्म का नाम था फौलाद। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छाई तो सिर्फ अच्छों से की जाती है। फौलाद फिल्म सन 1963 में रिलीज हुई, और इसी के साथ फिर दारा सिंह और मुमताज की ऐसी जोड़ी बनी कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। और खास बात यह भी रही कि उन 16 फिल्मों में से 10 फिल्में सुपर डुपर हिट रही। फौलाद, वीर भीमसेन, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी कुछ फिल्में इन फिल्मों में शामिल है। और इसी के साथ मुमताज अब बी ग्रेड फिल्मों में सबसे सफल हीरोइन बन गई थी। और दारा सिंह जहां एक फिल्म के 5 लाख रुपए लिया करते थे, वहीं मुमताज उनसे आधे यानी 2.5 लाख रुपए चार्ज किया करती थी। ये उस वक्त अभिनेत्रियों को दी जाने वाली एक बड़ी रकम मानी जाती थी। अब बी ग्रेड फिल्मों ने मुमताज को पैसा भी दिया और शोहरत भी, लेकिन दूसरी तरफ ए ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स मुमताज से दूरी बनाने लगे। मुमताज को एक तरफ सफलता मिल रही थी, दूसरी तरफ लोग उनसे दूर रहा करते थे। बी ग्रेड एक्ट्रेस के तौर पर मुमताज पर जो ठप्पा लगा वो मुमताज को परेशान करने लगा। उन दिनों मुमताज की बहन मल्लिका भी फिल्मों में काम किया करती थी। जानते हो, मैं यहाँ के सबसे बड़े रईस श्री भगवान दास की बेटी हूँ, रानी। और अक्सर कॉमेडियन महमूद की वो एक्ट्रेस बनकर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती थी। एक बार मल्लिका से मिलने के लिए महमूद उनके घर पर आए, तब उनकी नजर मुमताज पर पड़ी। जैसे ही मुमताज को देखा तो देखते रह गए। वैसे तो मुमताज को जानते थे महमूद, पर कभी मिले नहीं थे, हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर देखा था। महमूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैंने मुमताज को देखा तो मेरे मुंह से निकला था, हे भगवान, ये तो बम का गोला है। मुमताज बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं फिल्मों में इन्हें जरूर लूंगा। मिल गई, इसी की तो तलाश थी मुझे, सूरत हो तो ऐसी हो। हीरोइन? क्या मैं हीरोइन बनूंगी? बनूंगी? अरे तुम तो बनी बनाई हो, रेडी में। हीरा अपनी कदर नहीं जानता, लेकिन जौहरी हीरे की कदर जानता है। 1966 की टॉप हीरोइन तुम ही होगी, यूथ का भंडार। क्या जी, न जानना पहचान और आप मुझसे मजाक करते हैं? बेबी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 100% सच कह रहा हूँ। और जब ये बात महमूद ने मल्लिका को बताई तो मल्लिका नाराज हो गई। उन्होंने महमूद पर गुस्सा भी किया और कह दिया, तुम काम मेरे साथ करते हो और मुमताज को देखकर तुमने अब मन बदल लिया। तब महमूद ने कहा था, भले ही आज ये मेरे साथ छोटे रोल में काम करेगी, पर ये स्क्रीन पर छोटे रोल करने के लिए नहीं बनी है, ये तो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, बहुत आगे जाएगी मुमताज। मुमताज की बहन मल्लिका के जीवन की बात करें तो उन्होंने दारा सिंह के भाई रंधावा से शादी की थी। फिर आया साल सन 1966, फिल्म रिलीज हुई
प्यार किए जा। इस फिल्म में मुमताज भी थी। जब ये फिल्म शूट हो रही थी तब महमूद ने शशि कपूर से कहा था कि आप अपने अपोजिट अभिनेत्री के रूप में मुमताज को सेलेक्ट कीजिए, इससे मुमताज का करियर बन जाएगा और मैं अपने अपोजिट किसी और एक्ट्रेस को ले लूंगा। इस पर शशि कपूर ने कहा था, ये तुम कैसी बात करते हो, दारा सिंह और महमूद की को एक्टर मेरी एक्ट्रेस बनेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए शशि कपूर ने साफ मना कर दिया। फिर फिल्म में महमूद की एक्ट्रेस बनी मुमताज। इसके बाद मुमताज के साथ महमूद ने फिल्म पति पत्नी में भी काम किया। ये साल 1966 की ही फिल्म थी। फिल्म में मुमताज का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन लोगों ने उन्हें नोटिस किया। अगले ही साल फिर सन 1967 में रिलीज हुई राम और श्याम। इस फिल्म में मुमताज ने दिलीप कुमार के साथ काम किया। पहले तो दिलीप कुमार मुमताज के साथ काम करने में झिझक रहे थे, वजह थी मुमताज का उम्र में छोटा होना। दिलीप कुमार ने महमूद से कहा, मुमताज यंग लड़की है, इनके साथ तो स्क्रीन पर मेरी जोड़ी कैसे बन सकती है। तब महमूद ने कहा था, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, जब वो मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकती है तो भला आपके साथ क्यों नहीं। इस बात पर दिलीप कुमार मान गए और फिल्म राम और श्याम में नजर आई मुमताज। ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसका फायदा मुमताज को बहुत हुआ, क्योंकि जहां ए ग्रेड के एक्टर्स उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और अभिनेत्रियां उनसे बात भी नहीं करती थी, यहां तक कि मुमताज के पास बैठना भी उन अभिनेत्रियों को पसंद नहीं था और अपनी कुर्सी लेकर वो मुमताज से दूर ही बैठा करती थी। उस वक्त इस फिल्म का आना मुमताज के लिए बहुत फायदा देकर गया। मुझे मेरे शाम की तस्वीर दे दो, इसे अपने पास रखने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। इधर लाओ, बको मत, छोड़ो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ो और चली जाओ यहाँ से। अंजना। राम और श्याम फिल्म के साथ ही वहीदा रहमान की दोस्ती हो गई थी मुमताज से और वहीदा रहमान ने मुमताज को बड़ी इज्जत और प्यार दिया था। मुमताज कहती हैं, वहीदा जी जितनी बाहर से खूबसूरत हैं उतनी ही अंदर से हसीन हैं, मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती जमती है। राम और श्याम फिल्म हिट हुई और इसके साथ ही मुमताज के सर से हट गया बी ग्रेड फिल्मों का ठप्पा। अब ए ग्रेड फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स सभी मुमताज को नोटिस करने लगे। बड़े निर्देशकों के साथ अब मुमताज काम करने भी लगी थी। पत्थर के सनम सन 1967 की फिल्म रही, जिसमें मुमताज ने वहीदा रहमान और भारत कुमार यानी मनोज कुमार के साथ काम किया। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। साल 1967 मुमताज के लिए बहुत अच्छा साल रहा। इसी साल बीआर चोपड़ा की सस्पेंस थ्रिलर हमराज भी रिलीज हुई, जिसमें सुनील दत्त और राजकुमार के साथ मुमताज ने काम किया। और इसी साल ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ भी काम किया मुमताज ने। मुमताज को अब अच्छे रोल मिल रहे थे, अच्छी फिल्में भी चल रही थी, नाम भी मिल रहा था, लेकिन नाम था सिर्फ साइड हीरोइन का, मुख्य भूमिका के रूप में अभी आना बाकी था। इसी साल सन 1967 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी, बूंद बन गए जो मोती। इस फिल्म में हीरो थे जितेंद्र और जितेंद्र ने फिल्म में काम करने से मना भी कर दिया था। उसके पीछे कारण था कि मुमताज साइड हीरोइन से मुख्य अभिनेत्री बन गई थी। बात यह थी कि पहले इस फिल्म में निर्देशक वी शांताराम की बेटी राजश्री मुख्य भूमिका कर रही थी, पर किसी वजह से वो नहीं कर पाई और ऐसे में साइड एक्ट्रेस मुमताज को लीड रोल वाला कैरेक्टर दे दिया गया। तब जितेंद्र ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तब वी शांताराम ने जितेंद्र को बहुत मनाया, फिर वो आखिरकार मान भी गए। ऐसा जलवा बिखेरा फिल्म ने कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई और जितेंद्र और मुमताज की जोड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। छाते वाले मास्टर जी, ये आपका भाई था? हाँ। ये तो। इसके साथ ही मुमताज ने इसी साल सन 1967 में सीआईडी 909, वो कोई और होगा, ऐसी बहुत सी फिल्में की। फिर आया साल सन 1968, मुमताज की एक और हिट फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो गई, मेरे हमदम मेरे दोस्त। और इसी फिल्म से मुमताज की दोस्ती धर्मेंद्र से भी हुई और इसी के साथ ये साल गौरी, अपना घर अपनी कहानी ऐसी कुछ और फिल्में लेकर आया और एक फिल्म थी ब्रह्मचारी।
ये फिल्म शम्मी कपूर के साथ मुमताज ने की। ये भी एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गीत आज भी चर्चा में हैं, क्योंकि एक ऐसा गीत है जो कि जब भी किसी के इश्क की बात होती है तो ये गाना हमेशा बताया जाता है कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। आज भी ये सबकी जबान पर चढ़ा हुआ है। इस गाने में मुमताज साड़ी पहनकर डांस करते हुए नजर आती हैं, लेकिन साड़ी में ढंग से उस वक्त डांस नहीं हो पा रहा था। इसी को देखते हुए मुमताज के लिए फिर जिप वाली एक साड़ी बनवाई गई और इस साड़ी में मुमताज बड़ी खूबसूरत लगी। और ये साड़ी का स्टाइल आज भी फेमस है, लोग वैसी साड़ियाँ खरीदते हैं। इस फिल्म और गानों से मुमताज और फेमस हो गई। उसकी बूंदें बन के गिरते रही। ये खत सुनाने के लिए बुलाया है मुझे। अब प्यार के नाम से भी चिढ़ने लगे। ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर और मुमताज करीब आ गए, एक दूसरे को चाहने लगे थे। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। शम्मी कपूर ने मुमताज को कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर मुमताज ने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त ये तय था कि जो भी कपूर खानदान की बहू बनती है वो आगे फिल्मों में काम नहीं कर सकती। और मुमताज का करियर तो उन दिनों तेज रफ्तार के साथ ऊपर की तरफ ही जा रहा था। ऐसे में मुमताज ने अपने करियर को चुना और शम्मी कपूर को मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपना फिल्मी करियर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि शम्मी कपूर उनसे उम्र में 16 साल बड़े भी थे, पर प्यार उम्र कहाँ देखता है। प्यार तो था, पर यह रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। और फिर बिना किसी शिकवे और शिकायत के मुमताज और शम्मी कपूर का ये इश्क अधूरा रह गया और दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। मैं अकेली जाऊंगी, कह देना महाराज। फिर आया साल सन 1969, रिलीज हुई फिल्म दो रास्ते। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर राज खोसला ने लीड एक्ट्रेस के तौर पर मुमताज को साइन किया था। और जब ये बात एक्टर शशि कपूर को पता चली तो शशि कपूर ने मुमताज के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं बी ग्रेड की एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकता। ये शशि कपूर का दूसरा चांस था जब उन्होंने मुमताज के लिए मना किया था, पर राज खोसला का फैसला अड़िग था। उन्होंने कह दिया, फिल्म में मुमताज तो जरूर से रहेगी, हीरो चाहे कोई भी हो। और ऐसा फिर हुआ भी। फिल्म में शशि कपूर की जगह नजर आए राजेश खन्ना। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी लोगों को इतनी पसंद आई कि फिर एक के बाद एक बहुत सी फिल्मों में ये जोड़ी नजर आती चली गई। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। क्या मैं कैसे कह सकती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। दो रास्ते फिल्म मुमताज के करियर का मील का पत्थर साबित हुई। आपको तकलीफ तो हुई। इसी फिल्म के साथ मुमताज अब सुपरस्टार बन गई, यानी बॉलीवुड के दो सुपरस्टार राजेश खन्ना और मुमताज। इसी साल राजेश खन्ना और मुमताज की एक और फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था बंधन। ये भी सुपर डुपर हिट फिल्म रही। मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि लोग देखते रह गए। साल 1970 जब आया तो फिल्म लेकर आया सच्चा झूठा। इस फिल्म में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी फिर से लोगों के दिलों पर छा गई। और साल 1970 में ही मुमताज की फिल्म परदेसी, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, हिम्मत, हमजोली, खिलौना, भाई भाई ऐसी फिल्में रिलीज हुई जिनमें हमजोली, खिलौना और भाई भाई ये हिट साबित हुई। और इसी साल एक फिल्म ने दिलवाया फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। ये फिल्म खिलौना के लिए मुमताज को मिला। खिलौना में मुमताज संजीव कुमार के साथ नजर आई और दोनों ने ही ऐसा बेहतरीन अभिनय किया कि लोग देखते रह गए। खिलौना फिल्म आज भी बहुत सराही जाती है। क्या देख रही? आप सचमुच पागल हैं या पागल का पार्ट अदा कर रहे हैं? बताओ। मुमताज अब कामयाबी की ओर बढ़ती चली जा रही थी। वो एक ऐसी कामयाब और बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी कि अब उनको साइन करने के लिए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की घर के बाहर लाइन लगने लगी थी। और उस लाइन में एक नाम था
एवरग्रीन देव आनंद साहब का। देव आनंद और मुमताज की पहली फिल्म रिलीज हुई थी सन 1971 में। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद को हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का आइडिया सूझा था और इसीलिए उन्होंने मुमताज से वो स्टोरी डिस्कस भी की थी, लेकिन मुमताज ने फिल्म में काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। मुमताज ने कहा था कि इस फिल्म में आप मुझे अपनी बहन बनाना चाहते हैं और आप खुद इतने रोमांटिक हीरो हैं, आपको देखकर मुझे भाई वाली फीलिंग कहीं भी नजर नहीं आती, इसीलिए मैं आपकी बहन का रोल तो कभी नहीं करूंगी। इस बात पर देवानंद खूब हंसे और फिर बोले, तुम काम तो जरूर करोगी, मेरी बहन नहीं तो मेरी हीरोइन बनकर। फिल्म में बहन के रोल के लिए फिर जीनत अमान को लिया गया और अब मुमताज बहुत फेमस एक्ट्रेस बन चुकी थी। फिल्मों की लंबी कतार थी। मुमताज ने कई फिल्में उस साल के लिए साइन भी कर ली थी, पर उस वक्त एक सिस्टम हुआ करता था कि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को 6 से ज्यादा फिल्में साइन नहीं करने देनी है। इस पर ध्यान भी रखा जाता था और एक फिल्म की कमेटी भी थी जो ये ध्यान रखती थी कि 7वीं फिल्म अगर कोई भी एक्टर एक्ट्रेस साइन करता है तो उसे शूटिंग नहीं करने दी जाए। मुमताज देव आनंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा साइन कर चुकी थी और उससे पहले 6 फिल्में ऑलरेडी साइन हो ही चुकी थी। ये 7वीं फिल्म थी। अब फिल्म समिति को जब पता चला तो उन्होंने मुमताज को देव साहब की फिल्म की शूटिंग पर जाने से रोकने का प्रयास किया। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी कुछ लोग वहाँ खड़े हो गए ताकि मुमताज छुपकर भी ना जा सके। ऐसे में एकदम से फ्रेम में आए बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र। उन्होंने मुमताज की मदद की, खुद की कार में बैठाया और एयरपोर्ट में जहाज तक छोड़कर आए और इस तरह से मुमताज ने 7वीं फिल्म भी शूट कर ली। शांति से भी पूछिए कि शांति क्या चाहती है। आप सब लोगों ने ठेका ले रखा है शांति का। आप किसी की बात मत सुनिएगा, आपके दिल में जो आए वही कीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म के गीत और फिल्म दोनों ही सुपर डुपर हिट रहे और यही वो साल था जब मुमताज की देव आनंद के साथ तेरे मेरे सपने भी रिलीज हुई थी। साथ ही मेला जैसी कई हिट फिल्में इस साल रिलीज हुई। मुमताज अब एक ऐसी सितारा बन चुकी थी जो कि सबसे ज्यादा फीस लिया करती थी। अब तक मुमताज सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में नजर आ रही थी, लेकिन अब एक ऐसी फिल्म आई जो कि मुमताज को बिकनी में दिखाने वाली फिल्म साबित हुई। फिल्म का नाम था अपराध। इसमें फिरोज खान के साथ नजर आई थी मुमताज। इससे पहले ये जोड़ी मेला में भी नजर आई थी। काम हो गया है, हार मेरे पास है। वहाँ क्या कर रही हो? कैसे पहुँचूं? जर्मन बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अपराध के लिए मुमताज को साइन किया था तब फिरोज खान ने कहा था कि आपको वेस्टर्न ड्रेस पहननी है और बिकनी पहनकर दर्शकों के सामने आना है। तब मुमताज ने कहा था कि मैं सीन करने में अनकंफर्टेबल हूँ। तब फिरोज खान ने कहा था, शूट होने के बाद अगर सीन तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो मुमताज वो सीन ही हम फिल्म से हटा देंगे। इस बात पर मुमताज राजी हो गई और शूट होने के बाद मुमताज को वो सीन दिखाया गया। मुमताज को सीन पसंद आया और इसी के साथ मुमताज अपने नए रूप में दर्शकों के सामने नजर आई। फिरोज खान के साथ मुमताज की ऑन स्क्रीन जोड़ी दर्शकों ने बहुत पसंद की और फिर अफवाहों के दौर भी सुनाई देने लगे थे। लोगों ने झूठी मूठी अफेयर की चर्चा भी फिल्मी गलियारों में सुनानी शुरू कर दी थी, पर मुमताज हमेशा से अपनी बात को लेकर बिल्कुल अड़िग रहती थी। उन्होंने साफ तौर पर स्वीकारा था कि फिरोज खान उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर वो कभी आपस में शादी नहीं करना चाहते। बल्कि उस वक्त ये भी अफवाह उड़ रही थी कि फिरोज खान का एक एंग्लो इंडियन से अफेयर है, जिसके बारे में फिरोज खान अक्सर मुमताज को बताया करते थे। साल 1972 में अपराध फिल्म रिलीज हुई थी और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इसी के साथ राजेश खन्ना के साथ दुश्मन, अपना देश,
हरे रामा हरे कृष्णा देवानंद के साथ ये सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। मुमताज की शोहरत और बुलंदी का अंदाजा सिर्फ एक ही साल में एक साथ इतनी सुपरहिट फिल्मों को देखकर लगाया जा सकता है। राजेश खन्ना और मुमताज जो भी फिल्में एक साथ करते थे वो सुपरहिट हो जाती थी। तब हर डायरेक्टर इसी जोड़ी को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। दूसरी ओर राजेश खन्ना आराधना फिल्म के साथ ही सुपरस्टार बन चुके थे। एक बार तो राजेश खन्ना को बहुत से लोगों से बचाया था मुमताज ने। ये बात उस वक्त की है जब दुश्मन फिल्म की शूटिंग हो रही थी। जगह थी एक गांव और इसी कारण फिल्म का क्रू भी कम था और सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत कम थी क्योंकि छोटा सा गांव था। पर गांव वालों को जैसे ही पता चला कि उनके गांव में सुपरस्टार राजेश खन्ना आए हैं तो वो एक झलक पाने के लिए शूटिंग वाली जगह पर पहुंच गए। यहां तक कि ये बात आसपास के दूसरे गांवों में भी आग की तरह फैल गई थी। सैकड़ों की तादाद में भीड़ राजेश खन्ना से मिलने पहुंच गई। उन लोगों ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए और फिर अंदर राजेश खन्ना तक पहुंच गए। राजेश खन्ना कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे, करें तो क्या करें। दीवानगी लोगों की ऐसी थी कि वो सब एक बार बस राजेश खन्ना को छूना चाहते थे और ये चाहत लिए लोगों ने धीरे धीरे राजेश खन्ना को घेर लिया। कोई उनके चेहरे को छू रहा था, कोई बालों को और कोई उनके हाथों को, कोई कपड़े ही खींच रहा था। दीवानगी अब परेशानी बनती चली जा रही थी। राजेश खन्ना की उस वक्त शर्ट भी फट चुकी थी, बाल बिखर गए थे। ऐसे में भीड़ को चीरते हुए सामने आई मुमताज। मुमताज ने ये रिस्क लिया। वो जानती थी महिला होने के नाते लोग उन्हें देखकर सहज हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। राजेश खन्ना को लेने के लिए वो जब भीड़ में पहुंची तो लोगों को समझाते हुए दूर किया और फिर राजेश खन्ना का हाथ पकड़कर उन्हें रूम तक ले आई। मुमताज का इतनी भीड़ में जाने का फैसला बड़ा रिस्की था क्योंकि वो एक बड़ी सेलिब्रिटी खुद भी थीं, लेकिन वो नीडर थीं, वो डरती नहीं थीं क्योंकि स्टंट फिल्में भी खूब की थीं मुमताज ने। इस तरह मुमताज ने बचाया राजेश खन्ना को। मुमताज का नेचर अपने सभी को स्टार्स के साथ हमेशा ऐसा ही रहा था। वो सबसे अच्छे से मिला करती थी और सबका ध्यान भी रखती थी। यहाँ तक कि उनके साथ जिन एक्टर्स ने काम करने के लिए मना भी कर दिया था, बाद में जब वो मुमताज के साथ काम करने लगे तो मुमताज ने बड़ी शिद्दत के साथ उन सभी के साथ काम भी किया था और सभी से एक अच्छे दोस्त की तरह पेश आई थी। कोई शिकवा कोई गिला नहीं था। साल आया 1973, झील के उस पार, बंदे हाथ, लोफर और प्यार का रिश्ता जैसी सुपरहिट फिल्में आई। उस वक्त मुमताज बहुत बड़ी स्टार थी और अमिताभ बच्चन उस वक्त इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे और ऐसे में ये जोड़ी भी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आई। फिल्म का नाम था बंधे हाथ। मुमताज की खास बात ये थी कि वो कभी भी किसी न्यू कमर एक्टर्स के साथ काम करने से मना नहीं करती थी। सबको एक जैसा सम्मान दिया करती थी और बड़ी दिलवाली भी थी। मुमताज उस वक्त की सबसे महंगी एक्ट्रेस तो थी ही, साथ ही वो फिल्म के सेट पर मर्सिडीज कार से आया करती थी। बंधे हाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान न्यू कमर एक्टर अमिताभ बच्चन ने सेट पर कुछ लोगों से ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि मुझे मर्सिडीज कार बहुत पसंद है और मैं ये कार एक दिन जरूर खरीदूंगा। ये बात जब मुमताज के कानों में पड़ी तब उस दिन जब शूटिंग पूरी हुई तो मुमताज ने अपनी मर्सिडीज कार की चाबी अमिताभ बच्चन के लिए छोड़ दी और अमिताभ बच्चन की साधारण सी कार की चाबी लेकर वहां से निकल गई। और इस तरह अमिताभ बच्चन भी मुमताज की सादगी और बड़े दिल के दीवाने हो गए। इसी तरह एक किस्सा फिल्म रोटी का भी है जिसमें राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी नजर आई थी। ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म के एक सीन में राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधे पर उठाकर बर्फ में दौड़ना था। इस सीन को फिल्माने में 8 दिन लग गए थे। मुमताज बताती हैं कि हर सुबह जब शूटिंग होती थी तो राजेश खन्ना मुझसे कहते थे, ए मोटी चल आजा मेरे कंधे पर, और मैं कूद कर उनके कंधे पर सवार हो जाती थी। ये सिलसिला 8 दिनों तक चला था। उस वक्त मैं ज्यादा स्लिम नहीं थी और इस सीन को फिल्माने में फिर राजेश खन्ना के कंधे पर बड़ा सा लाल निशान भी पड़ गया था। और अब शशि कपूर की बात करें तो वो मुमताज के साथ काम करने के लिए तड़पने लगे थे।
फिल्म थी चोर मचाए शोर। शशि कपूर मुमताज के साथ काम करना चाहते थे। शशि कपूर इससे पहले एक नहीं दो बार मुमताज को बी ग्रेड फिल्मों की हीरोइन बताकर उनके साथ काम करने के लिए मना कर चुके थे। पर अब मुमताज का जादू ऐसा था, समय बदल गया था। मुमताज अब सुपर से भी कहीं ऊपर थी। जब शशि कपूर की ये बात मुमताज को पता चली तो बड़े दिल वाली मुमताज ने पुरानी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और शशि कपूर के साथ फिल्म करने के लिए हामी भर दी। साल 1974 में चोर मचाए शोर रिलीज हुई थी। ये फिल्म सुपर हिट रही। आप देखते कुछ होते होते रह गया। शट अप, मैं तो कितनी परेशान हो गई थी। मैं यहाँ बनाने का आपका इंतजार करते करते परेशान हो रहा था। और इसी साल राजेश खन्ना के साथ दो फिल्में आई, आपकी कसम और रोटी। ये भी जबरदस्त हिट फिल्में थी। और इन्हीं फिल्मों के साथ अब तो ऐसे लगने लगा था कि मुमताज और राजेश खन्ना के फिल्मी सितारे आपस में कुछ मिले जुले से हैं। इन दोनों की जोड़ी जिस भी फिल्म में आती वो फिल्म सुपर हिट हो जाती। साल 1975 में फिर मुमताज की आग और तूफान, लफंगे, प्रेम कहानी जैसी कुछ और फिल्में सुपर हिट रहीं। प्रेम कहानी राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म थी। राजेश खन्ना मुमताज को लेकर बहुत सोचा करते थे। मुमताज बताती हैं, हम दोनों की जोड़ी इतनी हिट थी कि जब मैं धर्मेंद्र और सुनील दत्त या फिर किसी और हीरो के साथ फिल्म साइन करती थी तो राजेश खन्ना मुझसे नाराज हो जाया करते थे और नाराज भी इतना होते कि पूरे पूरे दिन मुझसे बात तक नहीं किया करते थे। राजेश खन्ना को लगता था कि उनका पूरा हक मुझ पर है। वो कहते थे कि हम दोनों जिस भी फिल्म में काम करते हैं वो हिट हो जाती है, तब फिर तुम्हें दूसरे हीरो के साथ काम करने की क्या जरूरत है। तब मैं कहती थी, आप भी तो और दूसरी एक्ट्रेस के साथ काम किया करते हैं, मैं तो कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही बातों बातों में नाराजगी दूर हो जाती थी और मुमताज राजेश खन्ना को मना लेती थी। ऐसी दोस्ती थी राजेश खन्ना और मुमताज की। मुमताज अपने साथी कलाकारों के लिए तो बहुत अच्छी थी ही, साथ ही परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बेटी साबित हुई। वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी। अपने कमाए हुए पैसों का कभी हिसाब नहीं रखती थी, ना ही परिवार से कभी ये पूछती थी कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मैंने कितने कमाए हैं। और मुमताज ने कभी अपने जिम्मेदारी से मुंह भी नहीं मोड़ा। मुमताज अपने परिवार के लिए कितनी आज्ञाकारी थी, इस बात का सबूत तो उन्होंने ऐसे दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। अपने करियर के पीक पॉइंट पर पहुंच जाने का सपना हर एक्ट्रेस का होता है और ऐसा ही सपना मुमताज का भी था। लेकिन जब टॉप पर पहुंच गई थी तब फैमिली ने कहा, अब आप शादी कर लीजिए, तो शादी करने का फैसला कर लिया। मुमताज बताती हैं कि मेरे घर वाले चाहते थे कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए और इसीलिए 24 साल की उम्र में मेरी शादी तय कर दी गई थी मयूर माधवानी से। और फिर जब मैं 26 साल की हुई तब मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया था। दूसरी तरफ दीवानगी की बात ऐसी थी कि कई लोग मुमताज से शादी करना चाहते थे। इस पर मुमताज कहती हैं कि मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझसे कई कलाकार शादी करना चाहते थे, मेरी खूबसूरती के लोग दीवाने थे। पर ये जरूरी तो नहीं कि आप हमेशा अपने साथी कलाकारों से प्यार कर पाएं। मुझे शम्मी कपूर से प्यार था लेकिन वो समय मेरी शादी के लिए ठीक नहीं था। शम्मी कपूर एक अमीर और ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते थे। सब उस वक्त चौंक गए थे कि एक इतने बड़े फिल्मी खानदान को मैं शादी के लिए कैसे मना कर सकती हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि मुझ पर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है और मैं उससे मुंह नहीं मोड़ सकती, इसीलिए मैंने उन्हें मना किया था। फिर साल आया सन 1974, लेकर तारीख 27 मई। ये मुमताज की शादी की तारीख थी। जब ये तारीख तय हुई तो अचानक हुए इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया था। लोग बातें करने लगे थे, क्या मुमताज शादी कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुमताज की सगाई की खबर अब तक किसी को नहीं थी। सब हैरान हो गए, क्या बॉलीवुड वाले, क्या बॉलीवुड के बाहर उनके दर्शक। मुंबई के ताजमहल होटल में मुमताज की शादी होनी थी। 27 मई सन 1974 आई। खास बात ये रही, इस दिन शादी में शामिल होने वालों से कहीं ज्यादा लोग होटल के बाहर अपनी हीरोइन की एक झलक पाने के लिए खड़े हो गए थे। सुरक्षा का पहरा काफी मजबूत रखा गया ताकि कोई भी बिना बुलाए मेहमान अंदर होटल में ना आ सके।
लेकिन मुमताज की दीवानगी लोगों में ऐसी थी कि वो मुमताज की शादी से हैरान भी थे और उन्हें किसी भी हालत में सिर्फ एक बार देखना चाहते थे। उस वक्त ताज होटल में काम करने वाले अजीत नाम के एक आदमी ने बताया था कि इतनी सुरक्षा होने के बाद भी लोगों को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बहुत से लोग होटल में जाने कहां कहां से घुस गए और दरवाजों की ग्रिल तक उन्होंने तोड़ दी थी। ऐसे में जब हालात बेकाबू होने लगे तो मुमताज को सुरक्षा के लिहाज से होटल छोड़कर वहां से जाने को कहा गया। तब मुमताज को रिसेप्शन बीच में छोड़ना पड़ा और वो अपने घर लौट आई। ऐसी दीवानगी थी मुमताज के लिए उनके फैंस की। अचानक हुई मुमताज की शादी ने सबको चौंका तो दिया ही था, दूसरी तरफ सुपरस्टार राजेश खन्ना का तो दिल ही टूट गया था क्योंकि वो मुमताज को अपना दाहिना हाथ समझते थे। मुमताज के साथ की हुई फिल्में उनकी यादगार फिल्में हैं। आखिरकार मुमताज ने फिर अपनी साइन की हुई बाकी फिल्मों को पूरा किया और आगे कोई नया प्रोजेक्ट साइन ही नहीं किया। और उसके बाद मुमताज अपने पति मयूर माधवानी के साथ हमेशा के लिए लंदन में जाकर बस गई। मुमताज के जाने के बाद उनकी दो फिल्में रिलीज हुई, साल 1976 में नागिन, ये एक सुपरहिट फिल्म रही, और 1977 में आईना फिल्म रिलीज हुई थी। शादी के बाद लंदन में मुमताज की पर्सनल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन उन्हें अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला। मुमताज के पति अमेरिका में पैदा हुए थे और हमेशा से वहीं रहे थे और एक अमेरिकन लड़की से उनका अफेयर था, ये बात उन्होंने मुमताज को बताई। ये सुनकर मुमताज का दिल ही टूट गया। फिर मयूर ने मुमताज को समझाया भी कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, तुमसे मैं कभी भी अलग नहीं हो सकता। लेकिन मुमताज का दिल तो टूट चुका था, वो खुद को संभाल नहीं पाई। धीरे धीरे अकेलापन उन्हें महसूस होने लगा और फिर इतनी ज्यादा दुखी हो गई कि वो भारत वापस आ गई। इस बात को लेकर मुमताज ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब आप फूलों के बीच रहते हो तो कांटे भी साथ आ ही जाते हैं और आप बहक जाते हो, पर मेरे साथ कुछ भी सीरियस नहीं था, बस कुछ दिनों का धोखा था और ये सब कुछ उसी वक्त सही हो सकता था, पर मैं मैच्योर नहीं थी, जिद्दी भी बहुत थी, लेकिन समय रहते ही मेरी जिंदगी से ये समस्या दूर हो गई थी जिसे कभी याद नहीं करना चाहती। इस शादी से मुमताज के दो बेटियां हुई, पहली बेटी नताशा माधवानी और दूसरी तान्या माधवानी। मुमताज का मां बनने का सफर भी आसान नहीं था, मुमताज को कई अबॉर्शन से गुजरना पड़ा, लेकिन आगे सब कुछ ठीक हो गया। मुमताज एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती थी। शादी के तकरीबन 13 साल बाद मुमताज ने फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आगे फिर सन 1990 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था आंधियां। इसी फिल्म से दूसरी पारी की शुरुआत की थी मुमताज ने। साइकोलॉजी होती है कुछ लोगों की, किसी दूसरे के पास अच्छी चीज देख ही नहीं सकते, पहले मांगते हैं और फिर छीन लेते हैं। पर मुमताज को हमेशा से हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता था, उन्हें भी इस बात की आदत थी, लेकिन आंधियां फिल्म बिल्कुल नहीं चल पाई, एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई और ये बात मुमताज के दिल को तोड़ गई। फिर मुमताज ने हमेशा के लिए फिल्मी दुनिया से संन्यास ले लिया। मुमताज को ऑरेंज गर्ल भी कहा जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि उनका फेवरेट कलर था ऑरेंज और साथ ही कई फिल्मों में कई बार ऑरेंज कलर के कपड़े पहनती थी जिसमें बला के खूबसूरत लगती थी मुमताज। उनकी खूबसूरती के कायल लोगों ने फिर आगे चलकर ऑरेंज गर्ल नाम से उन्हें पुकारना शुरू कर दिया और इस तरह पड़ा मुमताज का नाम ऑरेंज गर्ल। फिल्मी करियर की बात करें तो मुमताज कभी भी टाइपकास्ट नहीं हुई, यानी एक ही टाइप के कैरेक्टर में वो बंद कर नहीं रही। और जिंदगी की बात करें तो उनकी किताब हमेशा खुली है, अपनी जिंदगी के हर पहलू को वो खुलकर बताती हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो या कोई बीमारी ही क्यों ना हो। जब मुमताज 54 साल की हुई तब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है। फिर उनका
इलाज शुरू हुआ, कीमोथेरेपी हुई, लेकिन इस वजह से सारे बाल झड़ गए थे। बहुत परेशान रहने लगी थी मुमताज, घर से निकलने से भी परहेज करने लगी थी। ऐसे में परिवार ने सपोर्ट किया। पति मयूर कहते थे कि तुम बड़ी खूबसूरत दिखती हो, अमेरिका की उस खूबसूरत डॉल की तरह, जिसके बाल तो नहीं है फिर भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, तुम बिल्कुल भी मायूस मत हो। और मुमताज ने भी हार नहीं मानी और फिर 35 रेडिएशन, 6 कीमोथेरेपी, इन सभी सर्जरीज के बाद मुमताज ने ब्रेस्ट कैंसर को हरा दिया और ये जंग जीत ली। मुमताज ने इसका सारा श्रेय अपने पति को दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी फैमिली, मेरा परिवार मुझे मन से इतना मजबूत नहीं करता और मुझे ये एहसास नहीं दिलाता कि उन्हें मेरी कितनी ज़रूरत है, तो शायद ये जंग मैं जीत ही नहीं पाती। मुमताज की बेटियों की बात करें तो बेटी नताशा की शादी हुई थी मुमताज के दोस्त फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से, और अब नताशा मुंबई में फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। साल 2010 में एक डॉक्यूड्रामा फिल्म रिलीज हुई थी, वन ए मिनट। इस फिल्म में उन अभिनेत्रियों ने काम किया था जिन्हें कैंसर था और उन्होंने कैंसर से जंग जीती थी। ये साल सन 2010 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मुमताज ने अपनी खुद ही की भूमिका निभाई थी। मुमताज पूरी तरह से लंदन में सेटल हैं। इनके मुंबई में दो घर भी हैं, लेकिन वो यहाँ कम ही आती हैं। एक घर कार्टर रोड पर है जो मीना कुमारी ने गोमती के किनारे फिल्म के मेहनताने के रूप में दिया था। आज उस जगह मुमताज के भाई की फैमिली रहती है। वहीं जुहू और कोलाबा में भी दो घर हैं जहां पर अक्सर वो आती जाती हैं, पर वो कहती हैं कि उम्र के इस पड़ाव में अब यहां रहने की मैं सोच भी नहीं सकती। एक बार साल 2007 में जब वो भारत आई तब वो अपने भांजे शाद रंधावा की फिल्म आवारापन की शूटिंग देखने आई थी। उस वक्त वैनिटी वैन को देखकर मुमताज ने कहा था, हमारे समय में ऐसी कोई वैनिटी वैन नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई ऐसी सुविधा थी। हमें तो जब भी कपड़े बदलने होते थे तो या तो हम किसी बड़े पेड़ को ढूंढा करते थे कि उसके पीछे जाएं और कपड़े बदलें, या फिर सेट पर बनाए गए पर्दों के पीछे जाकर ही हमें कपड़े बदलने पड़ते थे। आजकल सब कुछ बदल गया है। जब राजेश खन्ना बीमार थे तब भी एक बार मुमताज भारत आई और उनसे मिली थी। उन्हें देखकर काका बहुत इमोशनल हो गए थे। ऐसे ही मुमताज एक बार धर्मेंद्र से भी मिलने गई थी। उन्हें देखकर धर्म जी बहुत खुश हो गए थे। मुमताज की छोटी बेटी तानिया माधवानी की बात करें तो उनकी शादी सन 2015 में लंदन बेस्ड मार्को सीलिया से हुई थी। मुमताज अपनी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हैं। वो अब अधिकतर समय अपने घर में ही रहा करती हैं। पार्टियों में भी जाना अब उन्हें कम ही अच्छा लगता है। यूं तो मुमताज हर किसी से बहुत प्यार से मिलती है, लेकिन एक बार मुमताज को जबरदस्त गुस्सा भी आ गया था। बार एक राइटर चौबल ने लिख दिया कि मुमताज का कोई पिता नहीं है। इस बात पर मुमताज बहुत नाराज हो गई थी। उन्होंने कोर्ट का रास्ता दिखा दिया था। मुमताज ने बताया था कि उनके पिता हैदराबाद में रह रहे हैं और वो कोर्ट में आने के लिए राजी भी हैं। इस बात को सुनकर देवयानी और मैगजीन के निदेशक दोनों के दोनों सार्वजनिक रूप से सामने आए और उन्होंने मुमताज और सभी चाहने वालों से माफी मांगी। तब बड़े दिल वाली मुमताज ने उन्हें माफ भी कर दिया। लेकिन इससे ये भी सबक मिल गया कि किसी के जीवन पर अपने मन से कुछ भी बात नहीं कहनी चाहिए। मुमताज कहती हैं, अगर आप मेहनती हैं तो आपको भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता। हाँ, रातों रात आप स्टार नहीं बन सकते, आपको मेहनत करनी होगी। जीवन में कुछ करिए, जरूर करिए, कुछ बनिए। मुझे आज भी लोग याद करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि एक जमाने में मैं मुमताज थी। मैं हमेशा खुद को लेकर ईमानदार रही। मैंने कभी अपनी बीमारी भी नहीं छुपाई। कैंसर से होने वाले कीमोथेरेपी के कारण जो साइड इफेक्ट हुए वो भी नहीं छुपाए। मैं मोटी हुई ये भी सबको पता है, लेकिन किसी ने मेरा मजाक कभी भी नहीं उड़ाया, क्योंकि मैं हमेशा अपनी उम्र के लिए भी ईमानदार रही। ईमानदारी रखने से आपके चाहने वाले आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये तो सबको पता है कि कोई कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो,
सुपरस्टार क्यों ना हो, एक दिन सबको इस दुनिया से चले ही जाना है। मुमताज हिंदी फिल्मी दुनिया का एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक आज भी बनी हुई है। मुमताज को कई सम्मान मिले, लेकिन जो उनके फैंस ने सम्मान दिया उसके आगे सब बहुत छोटे हैं। मुमताज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था साल 1968 में ब्रह्मचारी फिल्म के लिए। ये बंगाल फिल्म जर्नल एसोसिएशन का अवार्ड था और साल 1970 में फिल्म खिलौना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था और साल 1996 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट से मुमताज को नवाजा गया। और वाकई ना काटा लगा है ना कंकड़, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हैं। हिंदी सिनेमा में एक उत्कृष्ट योगदान के लिए सन 2008 में भी उन्हें मानद पुरस्कार दिया गया। थैंक्स आइफा फॉर गिविंग मी दिस ऑनरेबल अवार्ड। आई डोंट वांट टू टॉक टू मच, आई मस्ट थैंक माय फैमिली, माय डॉटर नताशा, माय डॉटर थानिया, माय सिस्टर मलका रंधावा एंड माय हस्बैंड मयूर मधवानी। आई हैड टू डॉटर्स, I used to miss son. Now I have a son, Fardeen Khan. Thank you very, very much, Aifa. मुमताज की फिल्मों के साथ उनके गानों की भी बड़ी लोकप्रियता रही है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट उनके गानों की है। बड़े ही खूबसूरत गीत हैं वो। बिंदिया चमकेगी, कोई शहरी बाबू, करवटे बदलते रहे, जय जय शिव शंकर, ऐसे बहुत से गीत हैं जो कि बॉलीवुड के यादगार गीत हैं। मुमताज के शौक में शुमार है किताबें पढ़ना। खाली समय में वो किताबें पढ़ा करती हैं। डिजिटल मीडिया जिस तरह से फायदेमंद है वैसे ही नुकसानदेह भी है और लोगों को हर्ट भी करता है, ये भी पता चलता है मुमताज की इस बायोग्राफी से। हाल ही में मुमताज को बहुत दुख हुआ था ये जानकर कि सोशल मीडिया पर कुछ खबरें ऐसी झूठी और अफवाह भरी फैलाई जा रही हैं कि मुमताज अब इस दुनिया में ही नहीं है। फिर इस बात से मुमताज बड़ी दुखी हुई और आखिरकार मुमताज की बेटी तानिया माधवानी एक वीडियो के जरिए सामने आई और उन्होंने कहा, मेरी माँ ठीक है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। Hi, this is just a post to say that my mother is fine. She is in London. Kamal Nath has started some rumors and do not listen to them. और इसी वीडियो में मुमताज भी खुद आकर कहती हैं, मगर बरी मत कीजिए, कोई भी परेशान मत होइए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा है, मेरे बच्चे मुझे बहुत संभालते हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ। और लोग जितना कह रहे हैं मैं उतनी बुढ़ी भी नहीं हूँ, आपकी दुआओं से मैं अच्छी खासी दिखती हूँ। और आगे तानिया बताती हैं कि जो फोटोज वायरल करके झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं वो तो मेरी माँ मुमताज की कई सालों पहले की है जब वो कैंसर से जूझ रही थी। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, फिट है, उन्हें कोई बीमारी नहीं। इस बात पर वीवी का टीवी तो यही कहेगा, बड़ी गलत बात है कि इंसान को बार बार सबके सामने आकर ये कहना पड़े कि मैं जिंदा हूँ। ऐसा ही कादर खान के साथ भी हुआ और कई एक्टर्स के साथ, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन साहब के बारे में भी झूठी खबरें लोग फैलाते रहे हैं। दिल को कितनी ठेस पहुँचती होगी ये उन लोगों को सोचना चाहिए, पर हम तो सबसे यही अपील करेंगे कि बिना सच के कोई भी खबर बिल्कुल मत फैलाइए। बीवी का टीवी सलाम करता है हमारी फिल्मी दुनिया को और इस बेहतरीन और खूबसूरत अदाकारा को जिन्हें हम मुमताज कहते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाले मुमताज स्वस्थ और लंबा जीवन जिए और हमें और हम उन्हें हमेशा प्यार करते रहें। अब इस जीवनी के आखिर में मुमताज की इस बात से हम समापन करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माय लाइफ एंड इफ यू आस्क मी दोज वर द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लाइफ एंड आई विल नेवर फॉरगेट टिल आई डाई। Once again, thank you very much for everything and for the love and affection you all have given me. Thank you again. बीवी का टीवी सलाम करता है मुमताज को और हम कहते हैं, खुद मुमताज की जो बात है वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा अगला जन्म भी हो तो मैं मुमताज बनकर ही पैदा हूँ। मुझे लोग बहुत प्यार देते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है और ये प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहे, ये उनकी आशा है।
तो हमारी भी यही आशा है कि मुमताज़ को यूं ही लोग चाहते रहें और मुमताज़ जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार को खूब प्यार देती रहें। अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगली बायोग्राफी तक के लिए, क्योंकि अगली बायोग्राफी किसकी होगी हम आपको थोड़ा सस्पेंस में छोड़े जाते हैं। अब यही कहूँगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपका सब्सक्रिप्शन हमें ताकत देता है आगे बढ़ने की। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को और डूबे रहिए बॉलीवुड के प्यार में।